क्या हाल है? उठ जा, उठ 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 उठ। कॉल वगैरह क्यों हमने नहीं करवाई? तुमने कॉल नहीं की, नहीं की फिर मैं आगे कंप्लेन कर दूंगा। मेरे को नहीं किसी की जरूरत, ना ही मेरे को तेरी जरूरत है, ना ही किसी और की जरूरत है। इसने मेरे को कितनी जोर से धक्का दिया, मैंने वो क्लिप डाली, मैं तभी फोन लेके गया ताकि इसको अक्ल आए। तूने मेरा किया दिमाग खराब, मैंने तेरा फोन खुद देना था जम्मू आके, पर तूने पर इस दे 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 कर कर कर। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के एक न्यू वीडियो में। उम्मीद कर दूंगा आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। सो गाइस चेक करो, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने जम्मू से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी ना बाइक को ना थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अपनी जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा गंदी है। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा बोल रहा था कि मैं जम्मू जाऊँगा ही नहीं, मैं जम्मू में व्लॉग वगैरह करूँगा ही नहीं, तो ये बंदा जम्मू से व्लॉग कैसे स्टार्ट करा और अचानक से ये जम्मू में कैसे पहुंच गया। तो गाइस मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जा रहा हूँ भाई जम्मू अपनी बाइक लेने के लिए, बिकॉज जिससे मैं टो वगैरह करवा के मंगवा रहा था ना अपनी बाइक को, बंदा ना पैसे ना बहुत ज़्यादा बता रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही जाता हूँ जम्मू और खुद ही बाइक लेके आता हूँ और आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मोटो व्लॉग भी बन जाएगा। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी ना यार आप लोगों को पता है कि मेरे साथ क्या सीन चल रहा है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बंदा बोल रहा था कहाँ पर लड़ना था, मैंने ना पूरी रिकॉर्डिंग नहीं डाली और उस बंदे ने ना इतना ज़्यादा बोला था ना बड़े यार अपने ना गोप्रो में से ना वो क्लिप ही डिलीट होगी, 3-4 सेकंड की क्लिप रही, बाकी सारी क्लिप ना डिलीट ही होगी। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या सीन है। बाकी अभी ना मैं जा रहा हूँ भाई सिद्रा वाली साइड और मुझे पता है कि जिहान अभी कहाँ पे होने वाला है। तो आना मैं सबसे पहले ना दीक्षा और जिहान उनको पकड़ने वाला हूँ और उनको बोलने वाला हूँ कि भाई ये जो तुम बोल रहे थे ना, अब तुम सामने आके बोलो कौन सा बंदा वो बंदा लाओ इधर। गाइस मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं ना अपनी बाइक को राइड कर रहा हूँ, कम से कम भी ना हफ्ते के बाद ना मैं अपनी बाइक को राइड कर रहा हूँ, ठीक है। बीच बीच में मैं अल्टरनेट डेज में मैं व्लॉग वगैरह डाल रहा था, बट मेरे को ना इस बाइक को चलाए ना कम से कम भी हफ्ता हो गया हुआ है। और गाइस आना आपको ना मोटो व्लॉग में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हफ्ते के बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ और मेरे को ना लगता है कि मेरे को मोटो व्लॉग करना ही भूल गया हुआ है, ऐसा लग रहा है। बाकी पहुंच चुके हैं भाई इतने दिनों के बाद अपना सिद्रा में। तो आना बाइक ना बिल्कुल आराम आराम से चलाने वाला हूँ, क्योंकि हफ्ते के बाद चला रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा इसको मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा भाई अपनी बाइक के इंजन को। अपनी भी केयर करो, अपनी बाइक की भी केयर करो। मैं कसम से आप लोगों को बोलूँ, मेरे लिए ये ना जो बाइक है ना अभी इस टाइम पे, यही बाइक मेरे लिए टैन आ रहा है, ये मेरे लिए सुपर बाइक है, ठीक है। गाइस ये देख रहे हो भाई, इन्होंने ना बीच से रोड ही तोड़ दिया यार, मेरे को हफ्ता हुआ और इन्होंने भाई पूरा एक साइड से सिद्रा ही चेंज कर दिया भाई इन्होंने। अभी ना मैं जैसे श्रीनगर से आया ना भाई, मैं इतना ज़्यादा थका था, सुबह से कुछ नहीं खाया था, और जैसे मैंने अपनी बाइक को देखा ना, कसम से मेरे को सारी थकान ही उतर गई और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया भाई अपनी बाइक को देख के। तो चलो अभी चलते हैं अपने दुश्मनों के पास और देखते हैं भाई उनका क्या सीन रहता है और करते हैं उनके साथ हिसाब किताब। 2000 years later. Well guys, अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। एंड गाइज मेरे को पता था ये बंदे ना इधर ही बैठे होंगे, तो ये लगी है यहाँ पे जिहान की बाइक, आई थिंक यही है। हाँ हाँ यही है, खाली से ना पीछे से ना वो निकाल दिया हुआ है व्हील कप है, तो यही बाइक है, देखते हैं वहाँ पे। इसने खाली व्हील कप निकाल दिया हुआ है, पहले मेरे को लगा पता नहीं किसकी बाइक है, बैठे हुए हैं वहाँ पे, मेरे को पता था इधर ही होंगे। क्या हाल है? उठ जा, उठ 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 उठ। हैरान हो गया, हैरान हो गया। अब बता तूने बंदे को बुलाया था या इसने बुलाया था? बड़ा कल मेरे को धमकियाँ वगैरह आ रही थी भाई फ़ोन पे। कल भाई मेरे को फ़ोन आया, मैंने हैरान हो गए ना तुम लोग देख के, मैं तुम्हारी भाई लोग हो जो मर्जी हो, ठीक है। मेरे को बता कल कॉल तूने करवाया था? मैंने किसे कॉल करवाई था भाई? कल मेरे को रिकॉर्डिंग आई है, बंदा बोल रहा है तूने दीक्षा का फोन लिया ना, चुप करके दे दे वरना अपना एड्रेस दे दे, लोकेशन दे दे, हम वहाँ पे खुद ही आके दे दे। तो मैंने बोला मैं भी क्या परेशानी दूं, मैं खुद ही आ जाता हूँ। अब बोलो भाई करना क्या, अब लाओ उस बंदे को। भाई ये है, देख मेरी बात सुन, जिहान देख मैं सीधा मुंह पे बोलूंगा भाई, सीधी सी जो बात है, व्लॉग बनाना मैंने छोड़ दिया था इसके चक्कर में भाई, फोन चोरी करके, वो भी तेरे को पता है मैं क्यों लेके गया था, वो मैंने क्लिप नहीं डाली है, ठीक है। मैं डालने में डाल सकता था, इसने मेरे को तेरे सामने, तेरे को पता है इसने मेरे को कितनी जोर से धक्का दिया, मैंने वो क्लिप डाली, मैं तभी फोन लेके गया ताकि इसको अक्ल आए। तो मेरा
मेरा फोन चोरी किया। फोन मैंने इसलिए चोरी किया, एक तो इसने भाई भाई देख मेरे को इसके सॉरी की जरूरत नहीं है, खाली बोल दे तूने कॉल करवाया इतना बोल, तूने नहीं करवाया। अब भाई उस बंदे ने मेरे को बोला कि दीक्षा की वीडियो डिलीट कर, ठीक है वीडियो डिलीट कर, तू जो उसको मेंटल गर्ल थंबनेल में लिखता है वो तू डिलीट कर। मैंने बोला भाई मैं तो वीडियो शेड्यूल डिलीट नहीं करूँगा, और उस बंदे ने बोला फिर तू अगर तूने फ़ोन वगैरह भी नहीं देना तू अपनी लोकेशन बता दे। मैंने बोला मैं खुद ही आया तू। जी हाँ देख मैं डर रहा होता मैं इधर नहीं आता भाई। मैं पूछे मैंने बोला वो जो बंदा है उसको बुलाओ इधर, मैं बैठा हूँ इधर। मैंने किसी से बात नहीं करवाई, ठीक है कॉल पे ना ही इसने करवाई बात, मेरे को कुछ पता नहीं। तू भी मैं तेरे को सीधा बोलता हूँ, इस लड़की ने तेरे को पढ़ाई है पटियाँ। इसने तेरे को पढ़ाई है पटियाँ, ठीक है। मैं भाई इसके चक्कर में मैं छोड़ के गया, मैंने करने हैं अकेले ब्लॉग, मेरे को नहीं किसी की जरूरत, ना ही मेरे को तेरी जरूरत है ना ही किसी और की जरूरत है। भाई देख यार मैं इसके साथ ज्यादा सरदर्दी करने नहीं आया हूँ, तेरे को भी मैं ये बोलूंगा। यार जिहान में मसला इसने बढ़ाया भाई लड़के को कॉल करके, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उसका नंबर सेव किया है ऑनलाइन बदमाश से, ठीक है। तू क्लिप देख, मैंने व्लॉग डाला हुआ है उसमें देख लेना क्या क्या बोला उस बंदे ने। तूने मेरा किया दिमाग रहा, मैंने तेरा फोन खुद देना था जम्मू आके, पर तूने पर इस दे 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 कर कर इसका फोन मैंने दे देना था। इसने मेरे को लड़के से कॉल कराई और धमकियां दिलवाई, तू फोन नहीं देगा तू जहाँ पे तेरे को हम वहाँ पे आके मारेंगे। अब बोल ना लाओ वो बंदा जिससे भी है, अगर हमने करवाई ये बात है। भाई मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग बड़ी है, भाई पूरी रिकॉर्डिंग बड़ी है। क्या पता ब्लॉग देख के उसने ऐसे ये सब। अच्छा उसने ये बोला कि तूने दीक्षा के वीडियो डिलीट कर, उस पे थंबनेल पे जो तू मेंटल लिखता है, और जो तू उसका फोन लेके गया फोन वो वापस कर। भाई ये तो झूठी है, ठीक है ये तो है झूठी। भाई देख मैं तेरे को भाई के नाते बोलूंगा, ठीक है तू मेरे को चाहे कुछ भी बोल, मेरे को तेरी बात का बुरा नहीं लगा। तू है अपने भाई की तरह, पर मैं तेरे को इतना इतना क्लियर करके जा रहा हूँ, तुझे मेरे साथ व्लॉग करना ना, तू कल से इसके साथ व्लॉग नहीं बनाना। तुमने कॉल नहीं की, फिर मैं अगर कंप्लेन कर दूंगा अगर उस बंदे ने नाम ले लिया कि तू है, फिर तू भी तोड़ेगा। चल ठीक है बाय।